बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूँ अली हसन और आप देख रहे हैं वर्ल्ड उर्दू न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आज एक बड़ी खबर लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान का महीना भी आ चुका है और माशाल्लाह अच्छी अच्छी खबरें भी आना शुरू हो चुकी हैं। PIA की तरफ से बहुत अच्छी खबर लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, PIA ने फ़्लाइटों का सिलसिला शुरू कर दिया है। ये ऑपरेशन पूरे 10 दिन तक जारी रहेगा। ये ऑपरेशन ना कि किसी मखसूस ममालिक के लिए बल्कि हर मुल्क के लिए जारी किया गया है। दोस्तों, अगर कोई गैर मुल्की दोस्त अपने वतन वापस आना चाहता है तो जल्दी से जल्दी टिकटें खरीद दे, क्योंकि अगर इन 10 दिन के अंदर अंदर ना वापस आ सके तो दोस्तों ईद के बाद आ सकेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से लोग अपने मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं। कुछ लोग तो विज़िट के लिए जाते हैं और कुछ लोग बिज़नेस के हवाले से जाते हैं, और बदकिस्मती से कोरोना वबा की वजह से वो अपने मुल्क वापस नहीं आ सकते, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, आज ही PIA की वेबसाइट का विज़िट करें और जल्दी से जल्दी टिकट ख़रीद लें। दोस्तों, जिन लोगों को टिकट ख़रीदने में कोई भी मुश्किल पेश आ रही हो तो मैंने अपना नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, मुझसे आप रابطہ कर सकते हैं। जिन भाइयों को समझ नहीं आ रही कि टिकट कहां से ख़रीदनी है, दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक टिकट नहीं ख़रीदी वो जल्द से जल्द टिकट ख़रीद लें ताकि वो अपने प्यारों के पास वापस आ सकें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो गैर मुल्की हमारे भाई थे उन्होंने दरख्वास्तें दी हुई थी कि फ़्लाइटों का कोई जल्द से जल्द बंदोबस्त किया जाए। ये उन लोगों के लिए फ़्लाइटें खोली गई हैं ताकि वो जल्द से जल्द अपने मुल्क वापस आ सकें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। खुदा हाफिज़।